महाराष्ट्र के लाखों श्रद्धालुओं का श्रद्धा स्थान है तीर्थ क्षेत्र देहू और आलंदी, और यहीं से नमामि इंद्राणी बहती है। लेकिन सालों से ये इंद्राणी नदी प्रदूषित हो रही है। हर रोज केमिकल युक्त पानी इस नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी अब गटर गंगा बन चुकी है। पिंपरी चिंचवड़ महापालिका प्रशासन हो या राज्य की ताकतवर नेता, स्थानीय विधायक हो या फिर कोई और, इस इंद्राणी की समस्या पर ध्यान देने के लिए किसी के पास समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार नदी स्वच्छता के लिए पैसा नहीं देती, लेकिन सरकार द्वारा प्राप्त पैसा आखिर किस इंद्राणी की स्वच्छता में खर्च होता है, ये तो भगवान ही जानता है। देहू और आलंदी में इंद्राणी नदी बहती है। इसका पानी लोग तीर्थ के रूप में प्राशन करते हैं, लेकिन इस इंद्राणी में कई कंपनियों का केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियों में सफेद रंग का झाग बहता दिखाई दे रहा है। केमिकल का इतना पानी है कि मानो ये कोई हिमगंगा नदी हो। हालात इतने खराब हैं कि नदियां धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। नदियों का पानी जहरीला होता जा रहा है। कल शाम से इंद्राणी नदी में सफेद झाग का पानी बह रहा है, लेकिन इंद्राणी नदी साफ करने के लिए ना तो नेताओं को पड़ी है और ना ही महापालिका प्रशासन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही नमामि गंगे का नारा देते हों, लेकिन यहाँ पिंपरी चिंचवड़ शहर में नदी स्वच्छता की किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।